राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सब इंस्पेक्टर की। जो लोग एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लिखित परीक्षा के, उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। 10 दिनों का क्रैश कोर्स है, तो आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। तब तक मैं वीडियो को लिंक शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए जल्दी से आज का पहला प्रश्न। पहला, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस नल नागवंशी शासक ने करवाया था? तो देखिए, यहाँ पर किस नल नागवंशी शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर विलास तुंग होगा। कौन सा होगा? विलास तुंग। यह टॉपिक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 30 MCQ कराने वाला हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो कि CG व्यापम जैसे एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर छात्रावास अधीक्षक के लिए बेस्ट क्लास है। साथ ही देखिए, जो छात्रावास अधीक्षक की क्लास है बहुत जल्द होने वाली है, और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसका फिजिकल टेस्ट हो चुका है। साथ ही जो लोग कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में पास हो चुके हैं, वो लिखित पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट वीडियो है। तो चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? तो कलचुरियों ने किया था। किसने किया था? कलचुरियों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 यानी कि 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मेजर एगेन्यू है, जो कि ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? तो देखिए, रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? परशुराम सोनी। कौन थे? परशुराम सोनी जी थे, ठीक है। कौन थे? परशुराम सोनी जी थे। इसको ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। आज की जो क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पहला वीडियो है, ठीक है। कौन सा वीडियो? पहला वीडियो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज से सब इंस्पेक्टर की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। डेली आपको, हाँ बिल्कुल, डेली आपको 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। कितने MCQ? 30-30 MCQ कराया जाएगा, ठीक है। साथ ही देखिए, 10 दिनों का क्रैश कोर्स है, आज से फ्री डेमो क्लास, ओके। चलिए, 5वां क्वेश्चन है आपका, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पंडित रामदयाल तिवारी, जो ऑप्शन ए में मिलता है। किसने गांधी मीमांसा की ग्रंथ की लिखा था? पंडित रामदयाल तिवारी ने। नेक्स्ट है, बस्तर में आदिवासी ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? देखिए, जो कोई विद्रोह है वो साल में, साल वृक्ष है ना, जो कोई विद्रोह में हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक या सब इंस्पेक्टर, तो बिल्कुल उसके लिए बेस्ट क्लासेस है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, या बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। साथ ही देखिए, जो लोग और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर, ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आप जिनकी भी तैयारी करना चाहते हैं सभी वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। किसानों का कंडेल नहर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, जो कंडेल नहर सत्याग्रह है 1917 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1917 में, किसान कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान से 1899 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? तो वो कौन सा है? पेंड्रा गांव, ठीक है, पेंड्रा है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में 1899 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में 1920 ईस्वी में प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ था? देखिए, जो प्रथम मजदूर हड़ताल आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है कि रत्ना झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, वो कई बार विगत वर्षों के प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। साथ ही प्यून भर्ती की एग्जाम 25 सितंबर को है, मतलब उसका एग्जाम
25 सितंबर को है, वहाँ से आपको 40 नंबर का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से देखने को मिलेगा। साथ ही TET का जो एग्ज़ाम है 18 सितंबर को, उसके लिए बेस्ट क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। जितने भी व्यापम PSC में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान की क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। रत्नझकर की किस स्थान के स्वतंत्र सेनानी है, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, कौन सा, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुरु, अब कैसे इसको याद करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे आपको याद करेंगे। कभी भी आपको छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु होता है, ठीक है, गुरु, तो आप सबसे पहले देखिए गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्षेत्रफल देखिए एक मिनट ना। इसके बाद नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, अब बड़ा अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो देखिए अचानक कमार, ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य अचानक कमार है, एक मिनट ना। यहाँ पर पूछा गया इनमें से सबसे बड़ा, तो ये चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा, अचानक कमार। अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो तमोर पिंगला है, कौन सा है, तमोर पिंगला, ठीक है, तमोर पिंगला है जो कि 608 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें तो तमोर पिंगला है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में, सॉरी, इनमें आप निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो अचानक कमार होगा, ठीक है। चलिए बताइए कि आप सभी के लिए क्वेश्चन लाए हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण, तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता दिया हूँ, बादल खोल, ठीक है, बादल खोल है जो 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था मैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है, तमोर पिंगला, अभी आपको मैं बताया हूँ, जस्ट पहले एक मिनट पहले बताया हूँ ना, तमोर पिंगला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए अभ्यारण्य जनजाति, हाँ बिल्कुल, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जनगणना से, हाँ। नदी अफवाह तंत्र की क्लास हो चुकी है, अब प्लेलिस्ट पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी नदी अफवाह तंत्र हैं वो आपको क्लियर करा चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, गौमुर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जो गौमुर्दा है वो रायपुर जिला में स्थित है, कहाँ है, रायपुर में, ठीक है, रायपुर जिला में स्थित है। मगरमच्छों का नरसिंह अभ्यारण्य कहाँ है, भैंसाधरा, कहाँ है, भैंसाधरा, इसको नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ मगरमच्छों का, हाँ बिल्कुल राइट, मगरमच्छों का, हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन यानी कि रेटिकुलेट किस जिले में पाया जाता है। देखिए जो अजगर है, पाइथन है, वो बिलासपुर जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, देखिए जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो बीजापुर जिला में स्थित है, कहाँ है, बीजापुर जिला में स्थित है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। और देखिए जो PUN की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट क्लासेस है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा, हाँ बिल्कुल महानदी है छत्तीसगढ़ की गंगा, है ना। जो लोग देखिए CGPUN ओल्ड क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है,
या इसके पीडीएफ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी कौन है? तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी भी महानदी है। ठीक है, महानदी है, ये कितने किलोमीटर में बहती है? तो इसको बताइए कितने किलोमीटर में बहती है सबसे लंबी नदी महानदी। दुधवा जलाशय किस नदी पर बना है? जो दुधवा जलाशय महानदी पर ही बना है। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, जो चित्रकूट बांध है वह इंद्रावती नदी पर है। जो चित्रकूट बांध है इंद्रावती नदी, ठीक है, इंद्रावती नदी पर। और ये देखिए, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़ाई जलप्रपात कौन सा है और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, दोनों आप कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बस्तर की जीवन रेखा आप सभी को पता है, इंद्रावती को कहते हैं। नोट कीजिएगा, बस्तर की जीवन, किसको मालूम नहीं है? राजेश को, राजेश मीना। अरे देखे, बस्तर की जो जीवन रेखा है, बस्तर कहाँ? नीचे में है, छत्तीसगढ़ के नीचे में। बस्तर की जो जीवन रेखा, इधर जो ऐसे छत्तीसगढ़ है ना, तो इधर बस्तर है नीचे में। ठीक है, बस्तर की जो जीवन रेखा है, हाँ बिल्कुल ओके। राजिम कितनी नदियों का संगम है? राजिम तीन नदियों का संगम है। कौन कौन सा आप कमेंट में जरूर बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, कमेंट में बताएं इसका आंसर। राजिम किन तीन नदियों का संगम पर स्थित है? तीन नदियों का मैं बता चुका हूँ, वो कौन कौन से हैं आप नाम कमेंट में जरूर बताएं। चित्रकूट जलप्रपात की आकृति किसके समान होती है? जो चित्रकूट जलप्रपात है, देखिए, जो घोड़े का नाल होता है, घोड़े का नाल होता है, उसी के समान दिखता है चित्रकूट जलप्रपात। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, लास्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, रक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, जो रक्षगंडा जलप्रपात है वो रेंड नदी पर है। कौन सा है? रेंड नदी। ठीक है, रेंड नदी है जो रक्षगंडा जलप्रपात नदी पर स्थित है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, देखिए, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसके बाद आपका टोटल 70 MCQ सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं। 70 MCQ, ठीक है, टोटल 70 MCQ यहाँ पर अगले नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और इसका ऑप्शन आप जरूर बताएं, अमृतधारा जो जलप्रपात है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया में है, कवर्धा में है, या जसपुर में है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात है राज्य किस जिले में स्थित है आप कमेंट में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग चैनल पर नए हैं या बच्चे जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक